सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से वित्तीय सहायता मांग सकती है, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प मांग सकती है, और ये नियम सभी धर्मों की महिलाओं पर लागू होता है। कोर्ट ने कहा है कि विवाहित महिलाओं को अपने पति से वित्तीय सहायता प्राप्त करना उनका अधिकार है और ये लैंगिक समानता और वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया है कि पतियों को अपनी पत्नियों के बलिदान को पहचानना चाहिए और उन्हें नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, यहां तक कि अगर किसी महिला को 3 तलाक के जरिए अवैध तलाक दिया गया हो तो भी उसे वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं को कानून के तहत समान अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका को खारिज किया और यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि महिलाओं को भरण पोषण अर्थात गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं है, बल्कि विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। ये ऐसा अधिकार है जो भारत में धर्म निरपेक्ष है और धार्मिक सीमाओं से परे है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नियों के त्याग को पहचाने, बैंक में उनके ज्वाइंट अकाउंट खोलें, एटीएम तक उनकी पहुंच बढ़ाएं। और इन सब के बीच जानकारी की बात यह है कि सीआरपीसी की धारा 125 और अब बीएनएसएस की धारा 144 में भरण पोषण का प्रावधान है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, वो पत्नी बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, पत्नी 3 कारणों से भत्तों की हकदार नहीं हो सकती है। यानी कि देखिए, पहला कारण यह है कि यदि महिला किसी दूसरे पार्टनर के साथ हो, दूसरा कारण बिना किसी सही कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर दे, और तीसरा यदि पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हों।